दैट्स नेम टेक्निकल रॉक स्टार। सो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। ये आपके किसी फ्रेंड ने या फिर किसी ने भी जो है आपके व्हाट्सएप यानी अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस लगाया एंड वो स्टेटस आपने देखा एंड आपको वो जो स्टेटस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप उस स्टेटस को जो है अपने फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से। सो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने किसी भी फ्रेंड के या फिर किसी के भी स्टेटस को अपने फ़ोन में डाउनलोड कैसे कर सकते हो, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। सो वीडियो काफ़ी अमेजिंग है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। एंड आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल रॉकस्टार, सो अपना टाइम वेस्ट में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा टेक्निकल रॉकस्टार यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो किसी के भी स्टेटस को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन जो है आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है एंड प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है स्टेटस सेवर। तो आपको स्टेटस सेवर सर्च करना है। स्टेटस सेवर सर्च करने के बाद आपको जो तीसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन दिखाई दे रही है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। आपको जिस एप्लीकेशन पर जो स्टेटस लिखा हुआ है लोगों पर, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन की जो मतलब जो साइज़ है वो है 3 से 4 MB, 4 से 5 MB। तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो एंड इसके जो डाउनलोड्स हैं वो 50 मिलियन प्लस हैं, तो सही है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको आसानी से डाउनलोड कर पाओगे एंड आपको डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को जो है ओपन कर लेना है, अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ये परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना आपको एंड आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे तो एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं, ये नीचे आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं एंड ऊपर जो है आपके व्हाट्सएप के जो स्टेटस हैं, जो भी आपने स्टेटस देखे हैं, वो यहाँ पर ऊपर शो हो जाएंगे। सो हम इसको कर देते हैं नीचे एंड आपके जितने भी स्टेटस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप में जाकर दिखाता हूँ कि मैं जो कोई भी स्टेटस देखता हूँ वो यहाँ पर शो होता है या फिर नहीं होता। सो मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ। व्हाट्सएप में आ जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे मैं अपने स्टेटस में आ गया एंड यहाँ पर आपको मैं देख लेता हूँ एक स्टेटस। सो जैसे मैंने इस स्टेटस को देख लिया एंड अब मैं बैक जाकर जो अपने ऐप में आ जाता हूँ। ऐप में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो स्टेटस अभी अभी देखा है वो यहाँ पर ऊपर जो है शो हो चुका है। एंड अगर अब मुझे इस स्टेटस को डाउनलोड करना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो जो आपकी स्टेटस है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा एंड आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके हो जाने के बाद आपके जो आपकी जो स्टेटस है, वीडियो फ़ोटो जो भी है आपको, वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैं अपनी गैलरी में जाके आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस में जो है मेरी वो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है। सो इस तरह आप किसी के भी स्टेटस को आसानी से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरह आप किसी के भी स्टेटस को जो है अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।